कर्मी तक, सूफी से लेकर संत तक, फकीर से लेकर मलंग तक और आप से लेकर हम तक, सभी की विरासत काल चक्र की इस यात्रा से अछूती नहीं रही है। महोदय, युग बदलते हैं, मानक बदलते हैं, साध्य को प्राप्त करने के साधन भी बदलते हैं, लेकिन काल चक्र का पहिया सदैव गतिमान रहता है। वह न कभी रुका था, न कभी रुका है और न कभी रुकेगा। महोदय, कहाँ है और कहाँ जाना है, काल चक्र के उस दौर पर ले चलता हूँ जहाँ पर युग बदले, युगावतार हुए, लेकिन काल चक्र का पहिया गतिमान रहा। महोदय, सतयुग में केवल सत्य ही सत्य जीवन का आधार था। राजा हरिश्चंद्र की स्वप्न प्रतिज्ञा भी पूर्ण हुई, भले ही उन्हें अपने पुत्र रोहित को ही क्यों न खोना पड़ा। त्रेता युग में शत्रु की एक मर्यादा थी। रावण अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए श्री राम की पत्नी सीता का हरण तो करता है, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए महिला पुलिस बल लगा कर रखता है। स्वयं त्रिशटा नाम की महिला जेलर उसका नेतृत्व करती है। वही द्वापर युग में शत्रु अमर्यादित था। दुर्योधन अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए भरी सभा में अपने पितामह, कुलगुरु और पिता के सामने अपने भाभी को जंगा पर बैठाने का आदेश वही दुशासन चीर हरण करता था। वहीं इस युग में दूसरा पक्ष भी अमर्यादित था। अमर्यादा की सीमा यह थी कि युधिष्ठिर अपनी पत्नी को ही दांव पर लगाने से नहीं चूके। इस युग में युगावतार श्री कृष्ण ने भी सत्य, धर्म और न्याय की स्थापना के लिए छल का सहारा लिया। चाहे भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा के साथ छल कर करके उन्हें सरसैया पर लेटवाया, चाहे द्रोण की जीवन लीला समाप्त कराने के लिए युधिष्ठिर से अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो रूपी अर्थ सत्य बुलवाया, चाहे कर्ण का पहिया गांडी जमीन में धस जाने के बाद अर्जुन को गांडीव चलाने का आदेश देकर उनका सर धर से अलग करवाया। महोदय, अब सवाल यह है कि वर्तमान युग में युगावतार क्या है? वर्तमान युग में संविधान को ही युगावतार मारे, क्योंकि संविधान एक जीवित दस्तावेज है। संविधान में भूत को समाहित करने तथा भविष्य को संदेश देने की शक्ति है, और जिस देश या राष्ट्र में अभी संविधान का युगावतार नहीं हुआ है वहां युगावतार होगा, आज नहीं तो कल होगा। महोदय, इन चारों कालों के समुद्र मंथन से हमने यह पाया कि युग बदले, मानक बदले, साध्य को प्राप्त करने के साधन भी बदले, लेकिन लक्ष्य सिर्फ एक था, सत्य धर्म न्याय एवं मानवता की स्थापना। महोदय, अब सवाल आता है कि वर्तमान युग का मानव का मूल्य क्या रह गया है? वर्तमान युग का मानव प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध जैसे नरसंहार भी करता है, मानवता को शर्मसार करता है, बायोऑर्गेनिक वेपन, साइबर अटैक एवं तकनीक के कारण जनमानस की निष्ठा में दखलंदाजी वैश्विक चिंता का विषय है। हम अपने मानव होने के अस्तित्व को खो रहे हैं धीरे धीरे। वर्तमान में जीवन एवं उसकी गरिमा ही सवालों के घेरे में। दुनिया के कई देशों में तख्ता पलट इस बात का द्योतक है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है, कमजोर हो रहा है। लेकिन इतनी गहन और निराशा में यह वही मानव है जो भारत राष्ट्र में सती प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह, महिला आरक्षण विधेयक और तीन तलाक का खात्मा करता है। यह वही मानव है जो अमेरिका में दास प्रथा की समाप्ति तथा अफ्रीका में रंगभेद की समाप्ति करता है। मानव अपने समस्याओं का जन्मदाता तो है, लेकिन ये वही मानव है जो समस्याओं का मुक्तिदाता है। महोदय, हमें वर्तमान में भारत राष्ट्र प्रशासित औपनिवेशिक कानूनों में कई धाराओं की समाप्ति तथा कई में संशोधन तथा यूसीसी लागू कर जाने की योजना इस बात को साबित करती है कि काल चक्र परिस्थिति के साथ साथ हमें बदलते रहते हैं, कानून बदलते रहते हैं। महोदय, अब सवाल उठता है कि आखिर हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है वसुधैव कुटुम्बकम् सर्वे भवन्तु सुखिनः अतिथि देवो भव प्रकृति का संरक्षण एवं चरैवेति मंत्र की चरितार्थता। महोदय, प्राकृतिक संसाधनों की मची लूट एवं जैव विविधता का बिगड़ता संतुलन आज मानव होने के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहा है। हमें नदी, समुद्र, पहाड़, पर्वत, जीव जंतु, पशु पक्षी सबके जैव विविधता का संरक्षण करना होगा, क्योंकि महोदय, अगर अमेजन नदी के किनारे के जंगल नष्ट हो गए तो क्या फर्क रह जाएगा अमेजन नदी और सहारा के मरुस्थल में? महोदय, कच्छ के रण से अगर गधे नष्ट हो गए और थार के मरुस्थल से ऊंट, तो जो सैलानी जाएगा वो क्या अंतर कर पाएगा? महोदय, अफ्रीका के चीतों को भारत में लाकर जैव विविधता का संरक्षण नहीं सिर्फ मनोरंजन हो सकता है, क्योंकि विविधता कुछ पोटेंशियल गार्डन
चिड़ियाघरों और उद्यानों तक ही सीमित नहीं है। जब पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक, धरा के हर हिस्से की अपनी साझी विरासत है। इसको सजोना मानव ही नहीं, मानवता की सबसे बड़ी जीत कही जाएगी। महोदय, हमें समाज में शोषित, वंचित, प्रताड़ित, पीड़ित, मनीषी, चिंतक, विचारक सबके हितों की चिंता करनी होगी। भले ही भविष्य में रोबोट एआई जैसी तकनीकें हमारे देश के बॉर्डर से लेकर घर के किचन तक का सारा काम क्यों न करने लगे, लेकिन हमें इतिहास, कला, समाज, समाज के प्रत्येक विषय को उतना ही महत्व देना होगा जितना विज्ञान, तकनीक और प्रौद्योगिकी को देंगे। महोदय, बढ़ते भूमंडलीकरण और बाजारवाद के इस दौर में हम तकनीक की धारा पर विराम तो नहीं लगा सकते, लेकिन उस धारा को मानवता के अनुकूल मोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। महोदय, प्रकृति के उपलब्ध संसाधनों का संपोषित ढंग से उपभोग कर सकते हैं। हर विमर्श को जन चेतना एवं मानवता की दृष्टि से देखना होगा, तभी सम्यक निष्कर्ष प्राप्त होगा। इसीलिए हमें चरैवेति के मंत्र के साथ आगे बढ़ना होगा। जो चल रहा है वही जीवित है, इससे हमें चलने होगा जिससे साबित हो कि हम जिंदा हैं, क्योंकि चलता जीवन को शून्य कर देती है। महोदय, हमें अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंच गए, इस निष्कर्ष पर आ गए कि हमें एक ऐसी दुनिया बनानी है, हमें एक ऐसी दुनिया बनानी है जहां रोबोट और एआई तकनीक की चकाचौंध तो हो, लेकिन एक मजदूर की मजदूरी भी, जहां बड़े बड़े नदियों में निर्मल धारा भी, जहां विशाल का इमारतें तो हो, लेकिन घास की झोपड़ी का सम्मान भी, और जहां वेब सीरीज की भरमार कॉमेडी नाइट विद कपिल तो हो, लेकिन कहां आ गए, कहां जाना है जैसे समुद्र मंथन चर्चा का विषय देने वाला दामोदर सिंह का मंच भी, जहां इंडस्ट्री तो हो लेकिन भोपाल गैस त्रासदी न हो। महोदय, अंत में हम यही कहेंगे, सादर धन्यवाद, आपके प्रश्नों का सादर स्वागत। कोई भी चीज पूर्ण नहीं, लेकिन संविधान किस लिए युवा बता रहे हैं कि संविधान एक जीवित दस्तावेज है, उसमें वह अतीत से संदेश लेता है और भविष्य को संदेश देने की शक्ति है। समय के साथ साथ पूरे देश, भले ही भारत ने संवैधानिक संशोधन दूसरे देश से लिया, लेकिन जरूरत आज 128वां संशोधन हम महिला आरक्षण विधेयक कर चुके हैं। जब शुरुआत में 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का अपना कानून आया, तब समय कल्चर की डिमांड अलग थी। आज 1950 में बाबा साहब का संविधान लागू हुआ, उस वक्त दलितों को आरक्षण था, बाद में वीपी सिंह की सरकार ने संवैधानिक संशोधन करके पिछड़ों को आरक्षण दिया, आज महिला आरक्षण राजनीतिक रूप से दिया जा रहा है। तो काल चक्र परिस्थिति की मांग से संविधान एक युवा अवतार है। जैसे युवा अवतार का मतलब क्या है, जैसे श्री कृष्ण, जैसे कि बुद्ध या फिर कोई भी हो, जैसे श्री कृष्ण युवा अवतार थे, वो एक बार दुर्योधन के पास जाते हैं और शांति का प्रस्ताव लेके जाते हैं कि दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती दमा, लेकिन जब नहीं मानते तो अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं और भीष्म पितामह के ऊपर अपना सुदर्शन चक्र भी उठा लेते हैं। उनका क्या तात्पर्य? देखिए महोदय, विचार सत्ता बहुत बड़ी सकता है। हम जैसा हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। जैसे अभी प्रेजेंटेशन के दौरान ऑनरेबल चीफ गेस्ट के बारे में बताया गया, इनके बैचमेट्स इनको प्यार से कहते थे यो यो योगी, लेकिन आज की दुनिया विचार सत्ता में विश्वविद्यालय और बच्चों की सत्ता इस कदर खो गई है कि यो 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 हनी सिंह का रात को आए चंदा मामा में खो गए हैं, वो यो यो योगी जैसे टिबेटर को अपने विचार सत्ता के समाज का स्थान नहीं। आपने लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करी और उसको खतरे में आने की भी बात करी, पर लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसे कि हम आधुनिक समाज में जानते हैं, ये एक समय के अनुसार जनित है, एक खास आर्थिक परिस्थिति के अनुसार जनित है, तो इसको शाश्वत कैसे मान सकते हैं? देखिए आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया। आपने प्रश्न किया कि हमारे द्वारा ही जनित है, जब धरती पर विनाश की कालावधि आती तभी उनका उद्धार होता है। भारत में आज संविधान है तभी आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, नहीं तो ब्रिटिश साम्राज्य अपने किसी अंग्रेजी समाज को आरक्षण देता और बिना संवैधानिक आरक्षण तथा कथित आरक्षण देकर उनको प्रोफेसर बनाता। देखिए मैडम, आपके प्रश्नों का उत्तर यह है कि एक महिला जो उसकी जीवन शैली होती है वो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत होती है। वह ऐसी होती है कि पूर्व के काल में सती प्रथा, एक पत्नी का पति का अगर डेथ हो जाता था तो उसको ऐसे जला दिया जाता था,
एक विधवा जब क्या कहते हैं कि विधवा हो जाती थी तो विधवा पुनर्विवाह नहीं हो सकता था। महोदय एक न अकेला चलने वाली स्त्री तो अकेले रह सकती है आजीवन, लेकिन एक विधवा जिसका पति खो गया हो वो जीवन बिना जीवन साथी के बिना नहीं रह सकती। आपकी बात काट रही, मेरा सवाल ये है कि उस समय स्त्रियों का संग जो व्यवहार होता था आप उसको न्याय संगत कहला सकते हैं? आप बिल्कुल नहीं महोदया। हाँ ये था कि कई स्थितियां ऐसी थी जिससे हम सहमत थे, उसका हम उदाहरण भी दे सकते हैं। जैसे जैसे महोदया कि उस वक्त नारी को हम देवी मानते थे, मतलब जन्मी जन्म भूमि स्वर्ग गरीबी आयुषी, मतलब जन्मी जन्म भूमि होती है और तो महिलाओं का वहां पे भी सम्मान था, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं था और समय के साथ साथ सुधार हो रहा। महोदय टॉपिक है कहां आ गए कहां जाना है। मेरा सीधा सवाल आपसे इतना है कि आए तो चिल्लाते हुए हैं, जाएंगे क्या चिल्लाते हुए? देखिए हम चाहे चिल्लाते हुए आए चाहे चिल्लाते हुए जाएं, लेकिन सवाल यह है कि कहां जाना है। तो जुबिन नौटियाल ने गाना गाया है कि चल ले के चलो तुमको तारों के शहर में, धरती की दुनिया में प्यार न करने देगी, लेकिन मैं इसी धरती को तारों का शहर बनाऊंगा जहां मानव मानव से प्यार करे, जहां स्व के आगे पर की विचारधारा हो, जहां एक ऐसी विचार सत्ता हो जहां पे हम आगे बढ़ सकते। जी बिल्कुल, 24 घंटे समय आपको भी देता है 24 घंटे हमको देता है, लेकिन इसमें सामाजिक आर्थिक और वैचारिक इसको जो मूल्य होते हैं उस नजरिए से हमको काम करना पड़ता है। हमें 24 घंटे का एक समान उपयोग करना चाहिए। जैसे महोदय कि अगर समय सबको समान अवसर इसलिए देता है, समय सबको समान अवसर महोदय देता है कि हम उसमें अपने कार्य को करें और सबको देता है, बाकी उसी समय में हम अपने कार्य करें परिणाम की चिंता ना करें, क्योंकि लाभ हान जीवन मरण सब जस रामचरित मानस में लिखा गया है और कुरान में वह तेजो मनसाव शिवो मनसाव लिखा गया है और उसी समय को हम उपभोग करें। लेकिन अवसर तो भिन्न होते हैं ना, यदि आप पढ़े लिखे हैं अच्छे संस्थान से आ रहे हैं तो मैं गांव में अगर पत्थर तोड़ती हूँ तो मेरे और आपके अवसर तो समान नहीं माने जाएंगे ना मैडम। देखिए सबकी अपनी स्थितियां रहती हैं, समय सबको समान अवसर कैसे देता है। जैसे कि आज एक बच्चा जो इस सोसाइटी में रहता है जिसके फैमिली का बैकग्राउंड टीचिंग या फिर एक अच्छा होता है, वो दुनिया को समझता है लेकिन वो जीवन के मूल्य नहीं समझ पाता कि वो कैसे रहता है। लेकिन एक जब जमीन परिवार से व्यक्ति आगे जाता है तो यह उसके अंदर कई संघर्ष होता है, लेकिन वह पूर्वाग्रह को वो नहीं झेल पाता कि उसके अच्छे परिणाम नहीं होते, लेकिन समय सबको समान अवसर देता है। इतने निबंध में मैं गिन तो नहीं पाया, लगभग एक दर्जन बार लिखा है ऐसा होना चाहिए बनाना चाहिए, सब वाक्य चाहिए पे खत्म हो रहा है। वो सब जानते हैं क्या होना चाहिए, क्या व्यवहारिक भी है या केवल आदर्शात्मक व्याख्या है कि ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल महोदय व्यवहारिकता में होना चाहिए, क्योंकि हम जो चाहते हैं उसको प्राप्त करना चाहिए। और अगर हम ये इसका आप संदर्भ बताइए, आप किस लहजे में कहना चाहते हैं, कैसा है? समाज के हितों की चिंता करनी चाहिए, सबको मिलजुल के रहना चाहिए, हमें एक अच्छा समाज बनाना चाहिए, मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, तो सभी जानते हैं इसमें व्यवहार का अगर सभी जानते हैं तो हम हमारे महोदय को आप निबंध को आप महोदय पूरा करना तो हर पैरा में क्यों चाहिए ये लिखा हो, महापुरुष विचार को अपनाना चाहिए। अगर सब अपना लेते हैं तो आज स्थिति क्यों आती जिसकी हम चिंता कर रहे हैं? महोदय उसकी स्थिति यह आती है कि कोई भी चीज पूर्ण नहीं होती। मैं फिर से दर्शाता हूँ, जैसे हमने कहा कि रोबोट एवं एआई तकनीक जैसे हो, लोग कहते हैं कि एआई तकनीक तो मानव ही जनित है, लेकिन वही एआई तकनीक जब इंसान कर्जदार होता है तो उसके फोन पर आता है तो उसी एआई तकनीक उसको परेशान करती है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। इतने निबंध में मैं गिन तो नहीं पाया, लगभग एक दर्जन बार लिखा है ऐसा होना चाहिए बनाना चाहिए, सब वाक्य चाहिए पे खत्म हो रहा है।
वो सब जानते क्या होना चाहिए, क्या व्यवहारिक भी है या कोई आदर्शात्मक भी है कि ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल महोदय, व्यवहारिकता में होना चाहिए, क्योंकि हम जो चाहते हैं उसको प्राप्त करना चाहिए। और अगर हम ये इसका आप संदर्भ बताइए, आप किस लहजे में कहना चाहते हैं, कैसा है? समाज के हितों की चिंता करनी चाहिए, सबको मिलजुल के रहना चाहिए, हमें एक अच्छा समाज बनाना चाहिए, मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, तो सभी जानते हैं। इसने व्यवहार का अगर सभी जानते हैं कि हम हमारे महोदय को आप निबंध को आप महोदय पूरा करना तो चाहिए। हर में क्यों चाहिए ये लिखा हुआ कुशल विचार को अपनाना चाहिए। अगर सब अपना लेते हैं तो आज स्थिति क्यों आती जिसकी हम चिंता कर रहे हैं? महोदय उसकी स्थिति यह आती है कि कोई भी चीज पूर्ण नहीं होती। मैं फिर से दर्शाता हूँ, जैसे हमने कहा कि रोबोट एवं एआई तकनीक जैसे हो, लोग कहते हैं कि एआई तकनीक तो मानव ही जनित है, लेकिन वही एआई तकनीक जब इंसान कर्जदार होता है तो उसके फोन पे आता है, तो उसी एआई तकनीक उसको परेशान करती है। थैंक यू मैडम, थैंक यू।